नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। आज हमें मौजूद अशोकनगर की कृषि उपज मंडी में, यहां पर गेहूं की नीलामी चल रही है और नीलामी के बीच में ही हम मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ गेहूं की जानकारी देने के लिए विमल कुमार जैन जी साथ में हैं, तो इनसे जानेंगे कि वर्तमान समय में क्या दाम चल रहे हैं और कितनी आवक हो रही है। पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में स्वागत है, धन्यवाद है। समय अशोकनगर की कृषि उपज मंडी में गेहूं की कितनी आवक हो रही है? 15 से 20 हज़ार बोरी आवक चल रही है, जिसमें सरबती ज्यादा आ रही है। सरबती के कम से 10 से 12 हज़ार बोरी की। और दूसरा कौन कौन सा? दूसरा क्वालिटी आ रहा 15-44, 37-40। इनके दाम क्या चल रहे हैं? 15-44 बिक रही 2400 से 2600 रुपए तक। 2400 से 2600 रुपए तक। और सरबती? सरबती 3500-4500 रुपए तक चल रही है। बढ़िया बेस्ट क्वालिटी सरबती। अच्छा, जो सरबती में किस तरह की कौन कौन से नाम से क्वालिटी रहती है? जो सरबती आती है, एक जो मिली सरबती आती है जो 2800 से 3800 रुपए बिक रही है, एक इससे बड़ी आती है जो 3500 से 4500 रुपए बिक रही है, बम्बई क्वालिटी होती है। हाँ, तो सबसे अधिक आवक कौन से गेहूँ की होती है इस मंडी में? सरबती होती है, सरबती ज्यादा होती है और 15 से 42 कम होती है। इसकी कम रहती है। अच्छा, गेहूँ के भाव को लेकर आगामी समय में आपका क्या कहना है, क्या स्थिति रहेगी? और आगामी समय में जो एक महीने की आवक और है, इसके बाद तेजी आएगी, मंदी की कोई संभावना नहीं है। 500 रुपए की तेजी आ सकती है। अच्छा, 500 रुपए। हाँ, आपका क्या कहना है गेहूँ का वर्तमान समय? गेहूँ में 200-300 रुपए वर्तमान समय से 200-300 रुपए बाद में बढ़ सकती है बाजार। इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो ये कौन सी समय में बढ़ने की उम्मीद? यही बारिश के समय में, अगस्त सितंबर में। अच्छा, मंडी की आवक की बात करें, जो मंडी हो रही है उसी तरह से रहेगी या फिर कुछ ज्यादा कम? नहीं, इसमें कम हो जाएगी अराइवल। अभी लगभग कितनी कम होने की? लगभग ये रह जाएगी 2000-3000 बोरे की अराइवल रह जाएगी आगामी समय में। तो ये फिर कंटिन्यू चलेगी? ये कंटिन्यू चलेगी 2000-3000 बोरेगी। अच्छा, ये अपने समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी होती है, तो ये उससे तो काफी ऊपर अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है वो। उससे समर्थन मूल्य वाला माल यहाँ मंडी में आता ही नहीं है। मंडी में समर्थन मूल्य का जो कम दाम वाला रहता है वो माल आता ही नहीं है। बेस्ट क्वालिटी माल आता है टोटल। तो जैसे बीते साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस साल कितनी आवक ज्यादा है या कम है, क्या स्थिति? बीते साल से फिलहाल कम चल रही है अराइवल। कितनी कम है? लगभग 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 ये मान लो 5000 बोरी 7000 बोरी कम चल रही है। 7000। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कुछ नहीं, अभी क्या है, शादी ब्याह का माहौल हो सकता है, किसानों ने माल रोक लिया हो, ये आइडिया कुछ लग नहीं सकता। और पहली बार फसल भी कम हुई है इस बार, ऐसा लग रहा है मेरे। तो क्या लगता है आपको, क्या गेहूं का रकबा घट रहा है या फिर गेहूं का रकबा घट रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, दोनों चीज का फर्क पड़ रहा है? सरसों क्या असर लग रहा है, क्या पड़ रहा है आपको जैसे गेहूं का रकबा घट के? नहीं, मौसम की मार पड़ रही है इसमें। अच्छा, मौसम की यानी कि उत्पादन कम, पानी की वजह से। हाँ, इस बार जिले में कम बारिश हुई थी इस कारण। हाँ, अभी फिलहाल तो यही कह सकता हूँ, आगे कोई इसके से ज्यादा मैं उपज नहीं कर रहा। अच्छा, इधर के कई गेहूँ के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भी अच्छा चमकीला उत्पादन होता है, इस बार वो अच्छा बेस्ट क्वालिटी वाला आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अच्छा, तो ये बेस्ट क्वालिटी वाला सबसे अच्छी बिक्री कौन से समय तक होती है? ये तो 12 महीने चलती है बेस्ट क्वालिटी की बिक्री। तो अच्छा, और ये इस समय पे ये बेस्ट क्वालिटी जो रहती है सरबती, इस समय पूरी ऑल ओवर इंडिया में जाती है, सभी जगह जाती है। एक और चीज जो एक दिन पहले मंडी बंद हुई थी उसे लेकर क्या चर्चा हुई, उस बारे में कुछ जानकारी? नहीं, उस बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं। तो ये इस तरह से गेहूं के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि आगामी समय में गेहूं के दाम बढ़ने की संभावना है।